प्रभु जीशुंक नाम समस्त स्वागत जनावि आसतु आज वाक्य मध्य जावा आज वाक्य हूँ जाकुब एक पर्वर बैश पद किंतु श्रोता मात्र हो आपण मानक प्रवचना नक वाक्यर कर्मकारी हो जेम्स चैप्टर 1:22 बट वी डुअर्स ऑफ द वर्ड आर नॉट हियर ओनली डिसीविंग योर सेल्स। याकूब एक अध्याय उसकी 22 में लिखी गई है परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हमें परमेश्वर की वचन के ऊपर चलने की ज़रूरत है, सिर्फ हमें सुनना नहीं है, हमें वचन के ऊपर चलने की ज़रूरत है और वचन पर अड़े और खड़े रहने की ज़रूरत है। आज हम देखते हैं अगर मेरे बहुत सारे ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं जो चर्चेस में वचन तो सुनते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं करते, तो उन्हें पता है कि निंदा करना, चुगली करना, थट्टा करना गलत है, गंदा मजाक करना गलत है, फिर भी वो वचन में चलते नहीं और वो अपनी मनमानी अपनी मर्जी के हिसाब से चलते हैं और घमंड में रहते कि मुझे तो वचन पता है, मुझे तो सब कुछ पता है। लेकिन परमेश्वर चाहते कि वचन पता है ये अच्छी बात है, लेकिन आप कितना वचन को फॉलो करते बहुत मैटर करता है। आज कलीसिया ब्लेस्ड क्यों नहीं है, आज बहुत सारे लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, फिजिकली प्रॉब्लम में क्यों है, क्योंकि वो वचन को फॉलो नहीं करते। जब तक आप वचन को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में कोई रिजल्ट को देख भी नहीं सकते। इसीलिए वचन को फॉलो करें, पवित्र वचन में बने रहे, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन आपको आज़ाद करता है, छुटकारा देता है, डिलीवरेंस को देता है और सचमुच गरीबी से भी आपको छुटकारा करता है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के जरिए आप सभी को आशीषित करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।